बीसी चल रही थी और 20-25 आदमी दूसरे भी लगे हुए थे और करीबन 200 मीटर तक गोंद खिंची हुई थी। उसके बाद में इस सुखविंदर सिंह ने अपने बाप को भेजा लड़ाई के प्लानिंग से, वो हमारे चाचा जी लगते हैं। हमारे चाचा जी वहाँ पर पहुँचे, पहुँचने के बाद में बोला ये मैं गोंद नहीं बनने दूँगा। तो हमने इनसे ये कहा कि आप हमारे पिताजी के समान हैं। हमने उनके पहुँच में सुने के बाद में मैंने कहा चाचा जी मैं अपनी जगह में गोंद बना रहा हूँ, ये पिलर लगे हुए हैं तो मैं ट्राई नहीं होना चाहिए। उसके बाद में भी कोई ऐसी बात होगी तो कल परसों किसी आदमी को बुला लेना, देख लेना। कितने में चाचा जी ने फड़वा उठाया, इतने में वहाँ दूसरे आदमी थे, उन्होंने हटा दिया। उसके बाद में फिर सुखविंदर सिंह गए, जाने के बाद में हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे भाई से ऐसा हो जाए करेगा ये, लेकिन उसके मन में पहले कि हमारे बाप ने तो ये काम नहीं किया, लेकिन ये फिर मामला टल गया है। उसके बाद में वो मार के हाफ सुरखा कर दिया, कारगंज थाने में भी दे दिए, हॉस्पिटल में अब रेफर करके जा रहे हैं।